हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे आप फादर्स डे पोस्टर क्रिएट कर सकते हो जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले लेट अस सी इस पूरे पोस्टर को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए इमेज ऑफ फादर्स, जो आप यहाँ पे एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पे सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इमेजेस। यू कैन सी दैट एंड यू कैन यूज दैट। और जो हमने कलर्स यूज किया है, वी हैव यूज थ्री कलर्स, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। यू कैन यूज अदर कलर्स ऑल्सो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड देन हम जो फॉन्ट्स में यूज करेंगे, पॉपिंस, पॉपिंस मीडियम एंड पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड। एंड यू नो इट वेरी वेल कि पॉपिंस की कंप्लीट फैमिली कैनवा में फ्री में अवेलेबल है। एंड देन जो हम एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं इज समथिंग लाइक दिस: लाइन, आइकन्स, पैलोग्राम, राइट, शेप, मैन विद चिल्ड्रन इलस्ट्रेशन, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि ये एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ यू डोंट नो, प्लीज मस्ट चेक आउट माई अदर वीडियोज, आई हैव एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द डिजाइनिंग। तो सबसे पहले आपको अपने कैनवा स्क्रीन पर आना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है दिस इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। एंड यू विल गेट सम ब्लैंक टेम्पलेट जस्ट लाइक दिस। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लैंक टेम्पलेट लिया। एंड जैसे ही आप ब्लैंक टेम्पलेट लोगे, यू हैव टू डू वन मोर थिंग कि इसके कलर को सबसे पहले तो आपको व्हाइट रखना है, जो कि ऑलरेडी प्री मेड व्हाइट ही अवेलेबल होता है। देन उसके बाद से जो ये फादर्स इमेज है, या जो भी कोई फादर्स इमेज अगर आप लेते हो, जस्ट उसको इस तरीके से प्लेस करो एंड जस्ट राइट क्लिक, और इसे आप शेयर कर सकते हो सेट इमेज एज बैकग्राउंड। सेम प्रोसेस फॉलो होता है मोबाइल में भी इसको बैकग्राउंड में सेट करने के लिए। डबल क्लिक करके आप कुछ इस तरीके से, लेट मी शो यू डैट, डबल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हो। एंड प्रॉपर अरेंज करने के बाद से जस्ट डिक्रीज इट्स ट्रांसपेरेंसी अबाउट 15, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अबाउट 15 इज गुड फॉर इट। एंड देन उसके बाद जस्ट हैव टू राइट दिस फादर्स। तो आप फादर्स लिखने के लिए जस्ट टेक ए टेक्स्ट, आप यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हो जस्ट बाई गोइंग योर टेक्स्ट। यहाँ से एड एडिंग क्लिक कर लो एंड यहाँ पे आप टाइप कर लो जस्ट एफ। एंड रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट ये टाइप करोगे, ये एक लाइन में नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। तो जस्ट चेंज इट्स फॉन्ट्स टू पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड। यू कैन सी पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड। एंड इसके साइज को आप इंक्रीज कर लो स्टार्टिंग में, बाद में आप डिक्रीज भी कर सकते हो। एंड जस्ट डुप्लीकेट इट एंड राइट ए एंड देन डुप्लीकेट इट। इस तरीके से आपको हर एक लेटर को टाइप कर लेना है एक्सेप्ट एच, क्योंकि एच के जगह पे हम ये इलस्ट्रेशन यूज करेंगे। तो यू कैन सी ये सारे के सारे तो हमने लिख लिए, बट ये स्मॉल लेटर में है, तो एक बार में इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे आप चले जाओ अपर केस, हर एक टेक्स्ट अपर केस में हो गया। जस्ट इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो एंड एक साथ इसको होल्ड करो और कुछ इस तरीके से आप साइज को डिक्रीज कर सकते हो। एंड नाउ यू कैन सी हम प्रॉपर टेक्स्ट को अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी आई थिंक कि हम और साइज को बड़ा कर सकते हैं, जस्ट सेलेक्ट इट। इसको हम इसलिए शॉर्ट रखेंगे, इसी वजह से हम इसको बड़ा नहीं कर रहे, जस्ट इस तरीके से। आप चाहो तो रूलर्स भी अपना ऑन कर लो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं रूलर्स प्रॉपर प्लेस करके वर्क कर रहा होता हूँ। तो आप इस तरीके से रूलर्स ऑन कर सकते हो और अपने हिसाब से, लेट मी शो यू डैट कि कैसे अरेंज करना होता है रूलर्स को। तो सबसे पहले आप कोई एक रेक्टेंगल ले लो, जस्ट टेक ए रेक्टेंगल, उसके बैकग्राउंड कलर को आप थोड़े अलग कलर में रख लो एंड जस्ट सेलेक्ट करो इसको और कुछ इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद से कॉर्नर पे प्लेस कर लो ऐसे एंड रूलर्स को ऐसे आप ला दो ऊपर से। जस्ट इसी को सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पे भी आप रूलर्स को अरेंज कर लो। इससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी कि इसी के अंदर आपको टेक्स्ट को लिखना है, ताकि आपका टेक्स्ट इससे बाहर ना जाए। जस्ट लाइक दिस, इसको थोड़ा और हम जूम कर सकते हैं अब एंड समथिंग लाइक दिस। एंड एक साथ आप इसको सेलेक्ट करो और आप चले जाओ पोजीशंस के ऑप्शन में, देन हियर सेलेक्ट दिस टाइडी अप। टाइडी अप से क्या होगा कि हर एक के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हो जाएगा एंड यू कैन जस्ट सी हियर। तो सच जस्ट इस तरीके से आप अरेंज कर लो थोड़ा सा और इधर की तरफ साइड में। अब आप देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट प्रॉपरली अरेंज हो गया है अबाउट, या एंड देन हियर वी आर गोइंग टू यूज द इलस्ट्रेशन। तो जो कि इलस्ट्रेशन ये है, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड जस्ट आई विल प्लेस इट हियर। एंड इसको आप जूम करो एंड यहाँ पे भी आपको एक चीज का ख्याल रखना है, वंस अगेन रूलर्स को आप इस तरीके से प्लेस करो जस्ट
टेक्स्ट के एकदम डाउन साइड में यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि इसको आप अरेंज कर सको। एंड यू नो इट वेरी वेल कि कैनवा में कभी भी आप कोई भी चीज को बीच में प्लेस करते हो तो वो आपको प्रॉपर डिस्टेंस बता रहा होता है। जैसे आप देख सकते हो 14 14 14, इट मीन्स कि हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर अरेंज है। एंड एक बार इन सभी को एक साथ होल्ड करो एंड जस्ट इसके साइज को थोड़ा सा और डिक्रीज करेंगे ताकि हम इसको पुट कर सके यहाँ पे जस्ट लाइक दिस। एंड वन थिंग यू शुड हैव टू रिमेम्बर दिस हियर, जब भी आप इस टेक्स्ट को लिखो ऐसे, ठीक है, तो इसको आप कलर को तो चेंज कर सकते हो क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है, आप जिस कलर में चेंज करना चाहो उस कलर में चेंज कर सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। तो यू कैन चेंज द कलर, जस्ट आप इन सभी को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे जैसे अगर आप इन सभी को सेलेक्ट करोगे, जस्ट राइट क्लिक एंड हियर यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ डाउनलोड सेलेक्शन, जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आप केवल इसी टेक्स्ट को आप डाउनलोड कर पाओगे। जस्ट चेक दिस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड साइज को आप इंक्रीज कर दो ताकि केवल ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाए एंड जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड। जैसे आपका ये प्रॉपर इमेज डाउनलोड हो जाए, जस्ट इसको आप अपलोड कर लो यहाँ से एंड बाय अपलोडिंग इट यू कैन सी यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर प्लेस कर लिया है। जस्ट इसको साइज पकड़ो, अब जस्ट एक नया पेज ले सकते हो या आप चाहो तो इसी को डुप्लीकेट कर सकते हो एंड इन सबको डिलीट कर सकते हो एक साथ में, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए, उसके पीछे रीजंस है, बिकॉज हम चाहते हैं इसके पीछे शेडो लगाना, ठीक है। अब अगर हम उस टेक्स्ट पे अगर हम शेडो लगाते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब इसके जस्ट अगर जैसे सपोज हमको इसके ही शेडो लगाना है तो यहाँ पे हमें काफी अरेंज करना पड़ता ताकि ये इसके इक्वल हो जाए, बट हम उतना मेहनत नहीं करेंगे, इसी वजह से मैंने उसको प्रॉपर डिलीट कर दिया एंड इसको यूज कर लिया। जस्ट अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट यू कैन सी, और यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अगर टेक्स्ट को देखते हो, इसीलिए हम डाउनलोड किए। जस्ट इसको फ्लिप वर्टिकल कर लो एंड फ्लिप वर्टिकल के बाद से आप इस तरीके से प्रॉपर आप अरेंज कर लो, जस्ट इसके नीचे रखना है एंड नाउ इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप डिक्रीज कर लो अराउंड 10 के लगभग, अराउंड 10 अगर आप रखते हो यू कैन सी ये अब आपका मिरर इफेक्ट प्रॉपरली क्रिएट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू हियर, इसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यू कैन यूज द ग्रेडियंट, जो कि मैंने ये ग्रेडियंट यूज किया है, जस्ट इसको आप यहाँ पे प्लेस करो। जस्ट अगर आप इसे प्लेस करोगे तो यू विल सी ये तो जो कलर है इसका दैट इज ब्लैक, बट हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए व्हाइट कलर में। तो व्हाइट कलर में एडिट फोटो में जाओ और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो जस्ट बाई सेलेक्टिंग द डियोटोन। अगर ये इसका कलर चेंज करना आपको नहीं पता, मस्ट चेकआउट माई वीडियो, आई बटन में लिंक है, मैंने उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जस्ट इस तरीके से आप प्रॉपर रख सकते हो। एंड वन मोर थिंग यू विल सी हियर कि ये इस मेन टेक्स्ट पे आ चुका है, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करो एंड इसको ब्रिंग टू द फ्रंट। नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, आई यू कैन सी हियर कि हमने ये प्रॉपर क्रिएट कर लिया इस तरीके से। एंड अगर आप देखोगे तो मेरे ये जो टेक्स्ट है लिटिल बिट रेडिश कलर है, तो आप वो कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपको ये चीजें मिल जाता है, जस्ट हियर राइट द टेक्स्ट पॉपिंस में आप ये टेक्स्ट टाइप कर लो हैप्पी, एंड इस पे इफेक्ट्स मैंने अप्लाई किया है, यू कैन सी द शेडो इफेक्ट्स मैंने अप्लाई किया है, ऑफसेट 19 रखा है, डायरेक्शन 0, ब्लर 58 एंड ट्रांसपेरेंसी 53। इससे क्या होता है कि पीछे से अपलिफ्ट ये टेक्स्ट हो जाता है और जो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। एंड सेम इसी को जस्ट मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लाइन भी प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इट इज सो मच इजी टू राइट दिस थिंग एंड जस्ट यहाँ पे मैंने पॉपिंस मीडियम में कुछ प्रॉपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब एक चीज का आप ख्याल रखना, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे तो पॉपिंस मीडियम नॉर्मल है, यू कैन सी नॉर्मल है 27.5, बट इसके आगे ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये बोल्ड फॉर्मेट में है। ये कैसे होता है, जस्ट राइट द टेक्स्ट एंड लिखने के बाद से जस्ट इसको सेलेक्ट करो एंड बोल्ड पे क्लिक कर दो, यू कैन सी ये बोल्ड हो गया। जस्ट ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करके आप इसको लिख सकते हो। एंड नाउ हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स और एड ऑन करेंगे, यू कैन सी हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल प्लेस किया हुआ है एंड इसके कलर को आप रेड रख सकते हो जैसे कि मैंने आपको हेक्साकोड प्रोवाइड किया था, जस्ट यूज दैट। एंड यहाँ पे आप वेबसाइट्स अपना लिख सकते हो जो कि मैंने लिखा है पॉपिंस में, 21 साइज है, एंड जो आइकन्स है उसको प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, सोशल मीडिया आइकन्स। एंड इसकी कलर जो है व्हाइट कलर, जो कि हमने बैकग्राउंड में व्हाइट कलर रखा हुआ था। एंड उसके बाद से जस्ट वी हैव प्लेस दिस सम ऑफ द एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, दिस वन दैट इज पैरेललोग्राम राइट, ये आपको शेप्स में मिल जाता है, जस्ट प्लेस इट, अलग अलग तरीके से आप इसे प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। एंड एट लास्ट वी हैव टू यूज द लोगो हियर, जस्ट प्लेस द लोगो एट इट एंड बाई दिस
वी हैव क्रिएटेड दिस हैप्पी फादर्स डे पोस्टर, एंड इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट गो हियर एट दिस शेयर ऑप्शन, क्लिक ऑन द डाउनलोड एंड इसके साइज को आप मैक्सिमम करके आप पेज को सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन द डाउनलोड। सो दिस वॉज द सिंपल प्रोसेस जिसका फॉलो करके मैंने ये हैप्पी फादर्स डे पोस्टर्स को क्रिएट किया। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, एंड यू कैन सी हियर कि मैंने अलग अलग वेरिएशन भी क्रिएट किया हुआ है कलर्स के साथ प्ले करके, सो यू कैन प्ले ऑल्सो। ओके, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल प्लीज लाइक द वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सो डेट आने वाले वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, सी यू, कीप स्माइलिंग।